जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव 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 जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयस्वरूप चरण शरण
जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यशुरूप चरण शरण Thank you.
किस किस गल दा शुकराना अदा करां गुरु जी, ए मनुख जून देन दा शुकराना, जिन्नू देवता भी तरसदे ने, इस दिल दियां धड़कना दा, इना शाहां दा शुकराना, अपनी संगत बनाउण दा शुकराना, सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी, हर पल अंग संग रहण दा ते सदा एहसास दुआन दा शुकराना, इस जिंदगी विच
ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ, ਜੈ ਪਤਸ਼ਰਨਮ।
किस किस गल दा शुकराना अदा करां गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुकराना जिन्नू देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कना दा इन्हां शाहां दा शुकराना अपनी संगत बनाउण दा शुकराना सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहण दा ते सदा एहसास दवाउण दा शुकराना इस जिंदगी विच सिर उठा के जी पाउण दा शुकराना गुरु जी। साढ़े जन्मां जन्मां दे पैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो बड़ा शुकराना उन्हां परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी विच वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदे भी मेरे विच मैं ना आवे। मैनू ये सुझी दिओ कि कुछ भी थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुलां कि तुहाडी मर्जी दे बगैर कदे कुछ नहीं होंदा। मैं ये याद रखा कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं है, ना मैं अपनी मर्जी ते आया और ना ही मैं कदे अपनी मर्जी नाल जा सकदा। मैं छोटी बड़ी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखा, हर जीव विच तुहानू देखा गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल विच भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्ला। गुरु जी, जे तुहाडियां रहमतां पाके भी मैं नीमा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शो जी। मैं कदे ना भुल्ला कि जो सब कुछ दे सकता है वो सब कुछ कदे भी लै सकता है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाड़े तों दूर करे। मेरे गुनाहों नू बख्श देना गुरु जी, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी किते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। बस यही ओ अरदास है तुहाड़े तों गुरु जी। ओम जय सतगुरु देव, जय पदशरणम। पूज्य माता और बंधु, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करें
कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, तरसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो, और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना, प्रिय मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वह इष्ट हमारा सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूरत को बनाए, बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आकर कहीं भाग जाता है। पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं, फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो आप अभ्यास से, अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, बड़े प्यार से बैठे, मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से, ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे उनको हटाएं, फिर अपने इसकी याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इसकी याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसकी याद में बैठेंगे।
तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने बाट तकत गए सांझ सकारे, है तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने रात जो आए ढल जाए प्यासी, रात जो आए ढल जाए प्यासी, दिन का है दूजा नाम उदासी, निंदिया नाए निंदिया नाए, अब मोरे द्वारे तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने जग मेरा हमें, जग से पराया जग मेरा हमें, जग से पराया आया भी मेरा मेरे पास आया, हंसने के दिन भी हंसने के दिन भी रो के गुजारे तेरे बिन सू नैन हमारे, है तेरे बिन सूने। ओ अन देखे ओ अन जाने, छुप के न गाए प्रेम धराने, कौन है तू कौन है तू मोहे, कुछ तो बता रे तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने ओ अन देखे जाने, छुप के न गाए प्रेम तराने, कौन है तू ओ कौन है तू मोहे, कुछ तो बता तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने
बाट तकत गए सांझ सखा रे है तेरे बिन सूने नैन हमारे तेरे बिन सूने।
सत्संग में आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारा है अखिल भारतीय संतमत सत्संग, जैसे बीवी प्रसाद साहब ने बताया। इसमें पूजा तीन प्रकार से करते हैं हम लोग। तीन प्रकार की पूजा होती है, जनरल, इन जनरल।
पहले शारीरिक पूजा शरीर से, दूसरा मानसिक पूजा, उसके बाद आत्मा भी पूजा करती है हमारे। परमात्मा ने बड़ा सुंदर अवसर हमें दिया, मनुष्य जन्म दिया, जो पुराने जन्मों के कर्म हैं उनका भोग आज भोग रहे हैं हम। परमात्मा ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया, सोचने की शक्ति दी, कर्म करने का अधिकार दिया, और अपना हम आगे या पीछे 7 पीढ़ियों का सुधार कर सकते हैं। 7 पीढ़ी आगे और जो 7 पीढ़ी आपके गुजरे उनका बड़े आराम से सुधार कर सकते हैं, अगर हम सही तरीके से साधना करें तो। और साधना करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, मंदिर जाना, आरती करना, जल चढ़ाना, है ना, ये सब भाई लोग करते हैं। मंदिर जाना, तो बहुत जरूरी है मंदिर जाना, ये है शारीरिक पूजा शरीर से। उसके बाद शारीरिक पूजा, व्रत करना, स्नान करना, गंगा स्नान, उसके बाद नर्मदा स्नान, और ये सारी चीजें, अभिषेक करना। और अभिषेक में लोग 2-2, 3-3 घंटे अभिषेक करते हैं बैठ के मंदिर के अंदर, अभिषेक करना। इन सब का फायदा होता है, ऐसा नहीं। प्रभु तेरी शरण, पतित हूँ तुम पतित पावन दास में, तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो, भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने, हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता, गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए, सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े, गुरुदेव पर जो ही भूमि पर जगते
जी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय आपसे पूरन गुरु पूरन पिता तब चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा हे दीना बंधु दयालु भगवन दुख भय संशय हरम जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। किस किस गल दा शुकराना अदा करां गुरु जी, ऐ मनुख जून देन दा शुकराना, जिन्नू देवता भी तरसदे ने, इस दिल दियां धड़कना दा, इना शाहां दा शुकराना, अपनी संगत बनाउण दा शुकराना, सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी, हर पल अंग संग रहण दा, ते सदा एहसास दुआन दा शुकराना, इस जिंदगी विच सिर उठा के जी पाण दा शुकराना गुरु जी, साडे जन्मां जन्मां दे पैड़े कर्मां नूं माफ़ करन दा शुकराना, सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी, ते सब तों वड्डा शुकराना उन्हां परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया, क्योंकि जे इस जिंदगी विच उह दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असीं शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो, सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी, तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदे भी मेरे विच मैं ना आवे, मैनू ये सुझी दिओ कि कुछ भी थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है, सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी, मैं कदे ना भुलां कि तुहाडी मर्जी दे बगैर कदे कुछ नहीं होंदा, मैं ये याद रखा कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं है, ना मैं अपनी मर्जी ते आया और ना ही मैं कदे अपनी मर्जी नाल जा सकदा, मैं छोटी बड़ी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानूं देखां गुरु जी, तुसी मैनूं जिथे भी रखो जिस हाल विच भी रखो मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां, गुरु जी जे तुहाडियां रहमतां पा के भी मैं नीमा नहीं रहना ते मैनूं अपनी रहमतां ना बख्शो जी, मैं कदे ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है, मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है, मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाड तों दूर करे, मेरे गुनाहों नू बख्श देना गुरु जी, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी किते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, बस यही ओ अरदास है तुहाड तों गुरु जी, ओम जय सतगुरुदेव जय पदशरणम। अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक
परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचन। का पालन करना अति मूलभूत सिद्धांत है जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें न सुने। सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें। सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।